हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्न एफर्टलेसली। आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 एंड 35A के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंडिया में जितने भी फ्यूचर में एग्जाम होंगे इस टॉपिक से 1 to 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 कब शामिल किया गया? ये उस दौरान शामिल किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारतीय संविधान की बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में थी, यानी कि 17 अक्टूबर 1949। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 1949। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आर्टिकल 370 इज डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस पार्ट में आर्टिकल 370 मेंशन्ड है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट 21। अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को। इन विच ईयर आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A कब शामिल किया गया? बेसिकली आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम जो भारत के प्रेसिडेंट थे उनके आर्डर पे, यानी कि प्रेसिडेंशियल आर्डर पे इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया ऑन 14th of May 1954। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 1954। अब हम देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन को। आर्टिकल 35A वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द बिल विच पास्ड फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन J&K। आपको अब उस बिल का नाम बताना है जो कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। अब हम देख रहे हैं सिक्स क्वेश्चन को। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास्ड इन राज्यसभा विद डैश वोट्स इन फेवर। आपको अब इस क्वेश्चन में बताना है कि राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को कितने फेवर में वोट मिले थे, उसको उसके अगेंस्ट वोट मिले थे 61 और फेवर में बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 125। अब हम देख रहे हैं सेवंथ क्वेश्चन को। आफ्टर पास्ड इन राज्यसभा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल हैज गॉट डैश वोट्स इन फेवर इन लोकसभा। राज्यसभा में पास होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लोकसभा में कितने वोट्स मिले थे फेवर में? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 370 फेवर में मिले थे और 70 उसके अगेंस्ट मिले थे। एट्थ क्वेश्चन, नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इंडियन पार्लियामेंट। आपको उस मिनिस्टर का नाम बताना है जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की अनाउंसमेंट करी थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, अमित शाह। अब हम देख रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन, विच सेक्शन वाज इम्पोज्ड जस्ट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन J&K। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कौन सी सेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सेक्शन 144। टेंथ क्वेश्चन, बिफोर 5th of August 2019 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में 5 अगस्त 2019 से पहले कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 states and 7 union territories। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी यूटीज? आर्टिकल 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट को कितनी यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 2 यूनियन टेरिटरीज।
जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 370 के टूटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, अब ये टू यूटीज में कन्वर्ट हो चुकी है, एक यूटी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी लद्दाख। अब हम देख रहे हैं 12th क्वेश्चन को, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कम इनटू एग्जिस्टेंस एज यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ऑफिशियली कब यूटीज बनी बनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी, 31st अक्टूबर 2019। चलिए देख लेते हैं 13th क्वेश्चन, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर गिवन ऑफिशियल अप्रूवल ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैन, इन सभी में से किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को ऑफिशियली अप्रूवल मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे भारत में नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं हम। इन्हीं का स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जिसकी हाइट 182 मीटर है और वो वर्ल्ड का टालेस्ट स्टैचू है। अब हम देख रहे हैं 14th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लद्दाख का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर के माथुर। चलिए देख लेते हैं 15th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए बात करते हैं दोनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की, पहले बात कर लेते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो 1985 के आईएएस बैच से हैं, और दूसरी तरफ राधा कृष्ण माथुर जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये 1977 के आईएएस बैच से हैं। दोनों के दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, इसके अलावा बहुत सारी वेरियस पोस्ट पर इंडिया में काम कर चुके हैं। तो इन दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 31st अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया था। चलो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और अपलोड करूं इस चैनल पे, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी प्रीवियस वीडियो थी सभी वीडियो के लिंक शेयर कर दिए हैं, फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक शेयर कर दिया है। फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मुझसे इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल पा सकते हैं, और फेसबुक पर यूजफुल इंफॉर्मेशन और अपडेट जो है वो इजीली आपको मिल जाएगी। थैंक्स अ मिलियन गाइस एंड हैव एन ऑसम डे।